भाइयों और बहनों, ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। साथियों, अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल को तो हमने पारित किया, आपको अधिकार देने का निर्णय किया, उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। भारत की इस संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों, आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया, तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे
कोई सबूत मांगे थे, 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं, और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बुआती है तो देश के सामने लाकर के रख दीजिए। भाइयों बहनों, हमने मैं एक एक करके आज बताना चाहता हूं। दोस्तों बताऊं ना, पूरा देश मुझे कई दिनों से कह रहा था कुछ बताइए, आज देश को भी मैं बता देता हूं। एक एक योजना को देखिए, जब हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, क्या हमने किसी का धर्म पूछा था? क्या हमने उसको 70, 72, 75 के प्रमाण मांगे थे? उनकी जाति पूछी थी? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से, कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो? भाई और बहनों, हमने दिया इतना ही नहीं, आगे भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार को उज्ज्वला का योजना का लाभ पहुंचाएंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का घर बना दिए। हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, न जाति पूछी न धर्म पूछा। हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। फिर क्यों कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? और आज जो ये लोग कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय
कागजों की बंदी से नहीं। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।